नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। इंदौर और नर्मदापुरम में 10 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू होगी। यहां पर फिर तेज हवाओं के साथ बौछारें होंगी। वहीं भोपाल को ये 12 जून से मानसून की शुरुआत होगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि 12 जून से लेकर 19 जून तक मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव होगा। इससे तापमान में गिरावट भी आएगी। वहीं संभावना है कि इंदौर संभाग से मानसून एंट्री कर सकता है, जिसमें खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान बुधनी विधानसभा के सलकनपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां विद्यासन के दर्शन किए। कार्तिकेय चौहान ने बताया कि वह अमेरिका में जरूर रहे थे, लेकिन वहां उनका सिर्फ शरीर था और आत्मा तो उनकी बुधनी विधानसभा में मेरे अपनों के बीच रही। उन्होंने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। करने को बहुत सारी चीजें थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिंता मत करा। जिन्हें पद मिल गया है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है। जिन्हें पद नहीं मिला है उन्हें काम देने का काम मेरा है। तुम उनसे संपर्क करो, आपको खाली बैठ रहे हर हाल में नहीं दिया जाएगा। ये मामा का क्षेत्र है, जब मामा कभी जीवन में खाली नहीं बैठे तो यहाँ का एक एक कार्यकर्ता कैसे खाली बैठ सकता। आज तो मैं केवल माँ के चरणों में प्रणाम करने आया था, आप लोग से अपील करने आया था कि जो हमारे स्थानीय चुनाव है उसमें हम आपस में ना लड़के एक साथ होकर एकजुट होकर निर्विरोध हमारी पंचायतों में हम प्रतिनिधियों को चुनकर भेजें। रायसेन जिले में कार और डंपर की जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान कार में सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, बाकी 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ग्राम किशनपुर और विशन खेड़ा के पास का है, जहां मौके पर पहुंची दहगांव पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में हुए बस हादसे में पन्ना के 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके शवों को हवाई जहाज की सहायता से पन्ना लाया गया। वहीं आज मृतक के परिजनों ने अंतिम विदाई दी। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ग्वालियर में चल रही 44वीं आर्प रेसलिंग की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 25 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ग्वालियर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 25 मेडल जीतकर पिछले 44 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं पंजा प्रो लीग की अध्यक्ष मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झिंग्यानी ने कहा कि 22 से 24 जुलाई को ग्वालियर के LNIP यूनिवर्सिटी में होने जा रही रैंकिंग टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। और अब यहां के ग्वालियर में चैंपियंस हैं, पंजा के आर्म रेसलिंग के चैंपियंस पैदा हुए हैं। हाल ही में नेशनल्स, इंडियन नेशनल आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप्स में उन्होंने 25 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 25 मेडल्स जीते हैं और 14 उनमें से गोल्ड हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनमें से बहुत सारे एथलीट्स प्रो पंजा लीग के एथलीट्स हैं। जो हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है 23rd, 24th और 25th जुलाई को प्रो पंजा लीग ग्वालियर आ रहा है अपने रैंकिंग टूर्नामेंट को लाकर, और ये LNIPE इंस्टीट्यूट में होगा 22nd और 23rd को, और 24th को हमारा फिनाले होगा। एक हिस्टोरिक जगह पे हम करना चाहेंगे अपना फिनाले। मध्य प्रदेश के छतरपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। वहीं मामले को लेकर फरियादी पति ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला छतरपुर के चंद्रपुरा गांव का है, जहां पत्नी अपने पति के साथ 4 महीने रहने के बाद लगभग 1.5 लाख का सोना, चांदी, मोबाइल व नगदी लेकर फरार हो गई। पुलिस महिला की तलाश कर मामले की जाँच शुरू करती है। 1 लाख रुपए उनकी बम मताई ने दाए और फिर 50,000 दूसरे के लिए दिया हूँ, अभी 1.5 लाख का, और फिर हमने लिया था उसी को। कितने में ली थी? 1.5 लाख में दे दिया था उसे। हाँ, उसके बम मताई आए थे देने के लिए। ऊपर कब भग गई?
जी भाग गई जहाँ 2-3 दिन पहले। कितने दिन रही तुम्हारे साथ में? 4 महीना रही। क्या लगता है, क्या कह रही है वो? वो कह रही हमको नहीं रहना है इस घर में। क्या कह रही? क्या कह रही? दूसरा कर लिया? हाँ दूसरा कर लिया। सामान वामान भी ले गई और सामान बेजर में ये सब ले गई। एक मंगलसूत्र है, पाव भर की चूड़ी है और 11 गुड़िया है सोने के। तो एक मोबाइल लेके भागी। टोटल कितना पैसा तुम्हारा खर्च हो गया? टोटल हो गया 1,00,000 रुपये। हाँ 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख। छतरपुर जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें पत्नी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसमें जो पत्नी या फिर आपकी धर्मपत्नी होती है उसके ऊपर कभी भी चोरी का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इसमें समान तौर पर यदि दर्ज होगा तो गुमशुदगी दर्ज होगी, गुमशुदगी में दस्तियाबी दर्ज होगी। तो इसमें कुछ विधिक या लीगल समस्याएं हैं, उसके बाद ही इसमें जो सही कार्रवाई है वो हो सकती है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इतना ही नहीं, यहां ग्रामीणों को घंटों हैंडपंप की लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बता दें कि ग्राम जामली में 10 लाख रुपए की लागत से यहां पानी की टंकी बनाई गई थी लेकिन 2 साल में ही खंडर हो गई। पानी की समस्या है हमारी, दिन दिन भर पानी में हो जाता है, पानी का ठिकाना नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता। रात भर भी हो जाते, दिन भर भी हो जाता पानी, पानी नहीं मिलता। कोई साधन नहीं है, एक ही नल है और जो नल होने ये सब बिगड़ पड़े हैं। पानी एक ही नल में है, पानी नहीं है, वो में पानी नहीं हीटे है ये नल में भी। अब तो 25,000 डाले हैं, 1.35 की बोल रहे हैं तो 1.35 में क्या घर बन रही है? तो कम से कम 2.5 लाख की तो होनी चाहिए। तो पानी नहीं है आपके गांव में? नहीं है, पर है। ये जो बरमे पे भीड़ लग रही है, मतलब एक ही बरमे पे पूरा गांव वास्ते है? 10-15 बरमा है और एक ही चल रही है। सब बंद पड़े? इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत की तो सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुने। पानी की व्यवस्था बहुत जब घी है, सारी रात बरमा पे पड़े रहते हैं। हमारा बाल बच्चा रोता है खूब, घर कोई का घर बच्चा बच्ची नहीं रखना वाला हो तो उसका बच्चा बच्ची घबरा जाता है। और क्या समस्या है? लेटरिन की सबकी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं था गाँव में, व्यवस्था है ही नहीं। देखो नहीं दिखा रहा है तो 1 लाख दे रिया तो उसमें क्या और कुटी दे रिया तो 1 लाख में कोई मकान बन रिया। हरियाणा के पंचकूला में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने 10 पदक हासिल किए जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। खास बात ये है कि अब तक मध्य प्रदेश के खाते में कुल 13 पदक हैं। बता दें कि एथलेटिक्स में खेले गए मुकाबलों में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक अकादमी के अर्जुन भास्कर ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं इसी मुकाबले अकादमी के रितेश ओहरे ने रजत पदक व मध्य प्रदेश के विवेक कुमार ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक और हिमांशु मिश्र ने रजत पदक हासिल किया। वहीं मध्य प्रदेश के संदीप कुमार ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया है। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। आपको बताने के स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के बंगले का घेराव किया। वहीं उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही स्टूडेंट ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में भारतीय प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से मुलाकात की। विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में खेलों और बॉक्सिंग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। वहीं सीएम ने रायपुर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच कराने का आश्वासन दिया। राज्य स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत रुद्रपुर विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने विकास कार्यों को तय समय के अंदर पूरा करने पर जोर दिया। वहीं मेडिकल स्टोर्स के सत्यापन के साथ 2 साल में मेडिकल कॉलेज का काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 20 दिन में ANM और 50 दिन में नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। और आज हमने सबसे बड़ा निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे CSC में PSC में जहाँ भी वार्ड बॉय की दिक्कत है, टेक्नीशियन की दिक्कत है, उनको जो है पूरा किया जाएगा। फिर हम लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के कार्ड नहीं बने उनके कार्ड जो है ये टारगेट क्या है कि वह 1 महीने में बनाए जाए, निःशुल्क बनी।
और एक बड़ा निर्णय हमें कर रहे हैं कि हर आदमी का एक हेल्थ आईडी बनाया जाए और वो हेल्थ आईडी जो है उसके पूरे जन्म भर उसके काम आए, ये भी जो है पूरा डिजिटल बनाया जाए। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं में हम इतना बेहतर कर रहे हैं कि कोई भी मरीज जो है हमारा रेफर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अलीराजपुर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। सीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल चले हम अभियान पर सवाल किए। सीएम ने पूछा कि स्कूल चले हम अभियान की क्या कार्य योजना बनाई है। डीईओ जवाब नहीं दे सके। इस पर सीएम नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि अब देखो भाई, ये बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया है, मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे। वहीं सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि स्कूल चले हम को जन अभियान बनाए, चुनाव इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, ये ऑन गोइंग स्कीम है। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विकास प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में मोदी सरकार की मदद से उत्तराखंड में हुए कामों को प्रदर्शित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की विकास योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने का आह्वान किया। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई है। इस दौरान सड़क व हाईवे निर्माण योजना, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी, सुपोषण योजना व कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में लगभग 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को समन्वय बनाने को कहा गया है। आगामी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में अन्य बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उन सभी पर चर्चा हुई विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दी। तो राजनीतिक प्रस्ताव की चर्चा की है, परंपरा भी यही रही है कि उनकी चर्चा होकर उसको हम कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार जो 8 साल मोदी सरकार को हो गए उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करके उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम की इस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहे इस पर भी चर्चा की है। प्रशासन ने एक बार फिर अवैध खनन पर कार्रवाई की। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने छापेमारी कर आधा दर्जन खनन वाहन बरामद किए। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं द्वारा शासन की रोक के बावजूद क्षेत्र की नदियों और खेतों से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि अवैध खनन की उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों के मद्देनजर ही उनके द्वारा अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अवैध खनन कर रहे वाहनों को पकड़कर सीज किया गया और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। आजकल लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रेशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी।
खबर लक्सर से है, जहां गन्ना विकास एवं चीनी समिति कार्यालय उपायुक्त ने लक्सर पहुंचकर और खाद बीज गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के कई किसानों ने लंबे समय से यूरिया खाद न मिलने और समिति कर्मचारियों की मनमानी करने, इसके अलावा पेस्टिसाइड आदि मामलों की शिकायतें की। कुछ किसानों ने गन्ना सीजन के दौरान शुगर मिल प्रबंधन द्वारा तोल केंद्रों पर घटतोली किए जाने की शिकायतों पर समिति के अधिकारियों को द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के आरोप भी लगाए। इस पर उपायुक्त ने समिति के कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई व खाद वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि अनियमितताओं होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल 11:30 बजे से चेकिंग कर रहा हूँ इस सोसाइटी की, और अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे सामने इतने डॉक्यूमेंट पड़े हैं। मेरे पास 40-45 पॉइंट हैं जिन पर मैं सब चेकिंग करूँगा, और आज पूरा दिन चेकिंग करूँगा। उसके बाद जो भी कमियाँ होंगी उनको सबको राइटिंग में लूँगा। खाद को लेकर क्या लिखे? खाद पे जो है खाद आया नहीं है। अभी जो सचिव है उसने मुझे कल बताया था कि रैक 1-2 दिन में लगने वाली है, लेकिन ये भी संज्ञान में आया कि उसने लोग कृषकों को पहले भी बताया था कि 4-5 दिन पहले भी की खाद आने वाला है, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। खबर रायसेन से है, जहां पैमत गांव के निवासी खुशीलाल वर्मा बंधुओं द्वारा अपने खेत पर पहाड़ की तलहटी में निजी तालाब की खुदाई कराई जा रही है। तालाब खुदाई की आड़ में पोकलिन मशीन, जेसीबी मशीन की मदद से मुरम मिट्टी कोपरा की ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों से परिवहन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग विभाग के अधिकारी काली कमाई का कारोबार धड़ल्ले से दिन रात कर रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने परमिशन के बारे में किसान खुशीलाल वर्मा से पूछा तो वह बोले कि रसोखदार हमारे खेत में खुदाई कर रहे हैं और इसके लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इसे देख शिकायतकर्ताओं ने DFO अजय कुमार पांडे, वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया से मामले की जाँच कर रसोखदार किसानों की वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। मनरेगा कर्मचारी पिछले 66 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। वहीं सरकार से मिले आश्वासन के बाद आज कर्मचारियों ने 3 महीने के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें समझाया। उन्होंने 3 माह में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया और कहा कि 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। हालांकि नियमितीकरण का आश्वासन मैं नहीं दूंगा, नियमितीकरण की समीक्षा की जाएगी। हमारे सरगुजा बस्तर से जो लेकर हमारे जो रोजगार सहायक ऑपरेटर ऑफिस में काम करने वाले 66 दिन हड़ताल में थे। मैं कल परसों से इनके पदाधिकारी लोग से संपर्क किया, मैं बोला आप लोगों के बीच में आऊँगा। हमारा मुख्यमंत्री गंभीर है, इन लोग का सबसे बड़ा मांग है निमितकरण नहीं, इनको सुरक्षा गारंटी। हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार इनको गंभीरता से देखे। दूसरा नंबर मांग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK News। नमस्कार।